वैयाकरण भूषण सार प्रश्नम कतिकानि स्फोटानि सन्ति तथा च पदस्फोट व्याख्या कुरु। अस्फुटति विकसति इति विग्रहे विकसति स स्फोट इति उच्यते तथा ही तदर्थ विषय बोध प्रति तदर्थ निरूपित तदनिष्ठ वृत्ति ज्ञानाधीनोत्पत्ति कारणम इति कार्य कारण भावो वाच्यः तथा च प्रत्येकं वर्णानां वृत्ति आश्रित्य स्वीकार्य उच्चरित ध्वंस असुत्वे योगपाद्यात् शब्दात् स्फुरण चेष्टायां स्फुरति कथयति वदति चेष्टां कुरु सस्फोट शब्दं वाक्यं अक्षरं च स्फुरण प्रहसयति तथा प्रत्येकं वर्णानां वृत्त्याश्रयत्वं समृतानां प्रतिवर्णानां स्वीकारे द्वितीयादि वर्णोच्चारण भवति प्रथम वर्णोच्चारणादेव तदर्थ विषय प्रति संभवात् तथा च अष्ट स्फोटानि सन्ति ध्वनि तत्स्फोटा समान रूपाष्टौ संख्या भवन्ति तथा ही वर्णस्फोट पदस्फोट वाक्स्फोट अखंडस्फोट अखंड पदस्फोट अखंड वाक्स्फोट वर्ण जातीय स्फोट वाक्य जातीय स्फोट इत्येन तत्वर्णस्फोटत संविवाह व्यहृतिता वर्णानां वाचकत्व सिद्धौ तादृश्य वर्ण समुदाय स्वरूपस्य वाचकत्वं सूत्रं सिद्ध्यते। प्रतिवर्ण मध्यस्थ स्मरणाय सर्वानुभव विरुद्ध विरुद्धेन वर्णानामर्थत्वे प्रातिपदिक कापत्ति संभवात् रामो अस्तिति वक्तव्ये राम इत्यंतरम घटकोत्तर मनुच्चारण अर्थबोधनाय तादृशानुपूर्व्या एव सक्ता छेदकत्व चित्वाद् वर्णस्फोट स्वीकृतनानय सर्वरे एव वाचकत्व शक्ति सकते व्यास सृज वृत्ते प्रमाणाभावात् पूर्व पूर्व वर्णा अनुभव जन्य संस्कार आचरण वर्ण बोधक बोध जनाने सकारिति वदन्ति तत्र युक्तम् तथा च वर्ण समुदाये वाचक इति पदस्फोट पक्ष युक्ति युक्त सिद्ध्यते। घटे नित्यादिषु नहि प्रकृत्यादिषु विवास्तिता वनस्पात समाविहेवापि सम्मोहो हि दृश्यते इति पदस्फोटः व्याख्या कुर्मः।